ಅಕ್ರಮಕಾರರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಲೇಬೇಕು 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 ಅಕ್ರಮಕಾರರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಲೇಬೇಕು 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 ಬೋಲೋ ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಮ जो पुराने जमाने का जो कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में जो पुराने जमाने का जो बहमनी किला है, उस किले में कई सालों से लोग अंदर का जगह कब्जा कर अपना जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। सरकार से हिंदू जागृति सेने निवेदन करता है कि अंदर का जगह जो है उनको खाली कराकर दूसरे जगह उनको जगह देकर शिफ्ट कराएँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में हमारे हिंदू जागृति सेने पूरे राज्य से कार्यकर्ता आकर बहुत बड़ी तादाद में आंदोलन होगा और इसके जिम्मेदार राज्य सरकार और यहाँ का जिला दलित होगा। और सबसे अहम बात तो ये है कि जो बहमनी किला है उसके ईशान्य भाग में ऐतिहासिक मंदिर है जो कि स्वयंभू सोमेश्वर देवालय है, जो कि सबूत के तौर पर जो स्तंभ है, जो कमान है, जो पत्थरों पर आकृतियाँ हैं श्री गणेश भगवान की, शिव पार्वती भगवान की, जैसे कि हाथी मोर सैकड़ों आकृतियां उस पत्थरों पर आज भी मौजूद है, जो कि हमारा हिंदू जागृति सेने सरकार को निवेदन करता है कि वो मंदिर पुनर्निर्माण कर यहाँ कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट के हिंदू समाज को पूजा करने की अनुमति दे। अगर ये आने वाले शिवरात्रि तक अगर वो मंदिर पुनर्निर्माण नहीं हुआ तो शिवरात्रि के दिन हिंदू जागृति सेने पूरा पूजा की सारी व्यवस्था हिंदू जागृति सेने के तरफ से होगा। अगर कुछ उस इसमें ऊंच नीच हो गया तो यहाँ का जिला दलित प्रवासोद्यम के श्रीमान सचिव और यहाँ के राज्य सरकार जिम्मेदार होगा। जय श्री राम। एक दो अढ़े साल हो गया, लेकिन वो जो है हम लोग ऐसे ही देखेंगे, पूरा इसका सबूत निकाल कर ही हम लोगों के सामने रखना है इस बात को, तो इसलिए हमारे पास पूरा पुरावे नहीं थे, तो इसलिए हम आज तक उसके पूरे पुरावे जो इकट्ठा करते रहे, इसलिए हमको आपको बताने में इतना समय व्यतीत हो गया। संतोष सोनावणे, जिला संगठन कार्यदर्शी हिंदू जागृति सेने। आज हिंदू जागृति सेना जिला घटक कलबुर्गी से मान्य जिलाधिकारी के तरफ से हम CM साहब को एक मेमोरेंडम दे रहे, क्या बोल के जो कलबुर्गी जिला में पुराना किला, एक ऐतिहासिक पुराना किला है, वो किले में बहुत साल से पुराना जो किला होने से पहले ही एक स्वयंभू सोमेश्वर बोल के एक देवस्थान है बोल के हमको पता चले सो है। इसके लिए आज हम देखने गए तो वो देवस्थान पूरा जो गिर के पूरा डमेलिश हुए सो है। इसके लिए हम आज डीसी उनको बोल रहे हैं, आगे आने वाले शिवरात्रि तक जो किले के अंदर जो देवस्थान है उसको पूरा क्लीन करके, उसको स्वच्छता करके जो लोगों को दर्शन के लिए व्यवस्था करना बोल के, अगर जिला दलित इसके बारे में काम नहीं करे तो बोले तो आगे के दिन हमारा जिला हिंदू जागृति सेना की तरफ से और जो भी गुलबर्गा के हिंदू समाज, हिंदू संगठन और जो मठाधीश्वर नेतृत्व में शिवरात्रि के दिन हम लोग सब मिलके वो देवस्थान को क्लीन करके वहाँ पूजा करेंगे बोल के हम DC को आज बोलना चाहते हैं। लक्ष्मीकांत स्वादी।